बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार छिंदवाड़ी चिकन कढ़ाई। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो हमने चिकन लिए, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए। 1.5 खाने का चम्मच हमने नमक लिए, 2 से 3 अदद हमने कटी हुई सब्जी लिए, तकरीबन 3 पाव हमने टमाटर लिए, 3 पाव हमें ऑयल चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसे कमर्शियल कढ़ाई में बनाएंगे, आप जिस कढ़ाई में चाहे बना सकते हैं, ये किसी भी लोहार की चौकी बासानी मिल सकती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को हम गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। इसको हिला लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये सब साइड से एक जैसा पक जाए। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बटर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ऑयल में डिप कर देंगे। टमाटर ऑयल में डिप हो चुके हैं, इसको हम कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। टमाटर गल चुके हैं, जिसके छिलके उतार लेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटरों के छिलके उतार देंगे। टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा
इसको हमने हिला लिए। अब टमाटरों को हम साथ साथ तोड़ते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटरों को हमने तोड़ लिए, अब हम इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल को हमने निकाल लिए, इसको साइड पे रखेंगे। इसमें सब्ज मिर्च ऐड करेंगे, नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 5 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई अच्छी तरह पक चुकी है, हमारी मज़ेदार छिंदवाड़ी चिकन कढ़ाई रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे।